Hello dear students, welcome to our science class. Today we are going to learn about chapter 13, magnets. In our previous lecture we have understood discovery of magnet. What is magnet and magnetic material? Today we are going to learn about different types of man-made magnets and their properties. So let's start with the different types of magnetic substance. In our daily life, we have seen so many devices which will work on the magnets, like electric bell, electric motor, electric crane, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन. तो ये सब मैग्नेट्स के ऊपर वर्क करती है और उसकी इफेक्ट्स भी लर्न करना जरूरी है, बिकॉज मैग्नेट कैसे बिहेव करेगा वही सेम इफेक्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट में भी देखने को मिलती है. इसलिए हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को समझने से पहले उसके टाइप्स को समझना जरूरी है कि वो कितने टाइप्स के होते हैं. सो magnets are made in factories. They are made up of different types of material. These magnets are of different shapes and size. They are used in making many kind of useful things such as television, telephone, doorbell, computer, headphones and speakers. So you can see here there are 4-5 types of magnet. Okay, so first one is, it is called a circular magnet. It's a horseshoe magnet. It's a bar magnet, cylindrical magnet and ring magnet. So ye sab magnets apne alag alag purposes ke liye kaam aate hain. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द पोल्स ऑफ मैग्नेट. कि पोल्स क्या होते हैं मैग्नेट में? नॉर्थ, साउथ, ये सब पोल क्या होते हैं जो जनरली एन एंड एस से देखने को मिलते हैं? तो चलो इसके बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी देख लेते हैं. अगर कोई मैग्नेट के आसपास आप छोटे छोटे आयरन फिलिंग्स डाल दो तो उसके एंड पोर्शन के ऊपर वो आयरन फिलिंग्स ज्यादा आ जाते हैं, वो वहां पे ज्यादा दिखने को मिलेंगे. आप वो कोई भी मैग्नेट लो जहां पे भी आयरन फिलिंग्स ज्यादा आ जाए तो वहां पे उसके पोल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, इफ द बार मैग्नेट इज ब्रॉट क्लोज टू आयरन फिलिंग्स, द फिलिंग्स स्टक at the ends of magnet. The end portion of the magnets are poles of magnet. If a bar is suspended freely, it will always remain in the north-south direction. मान लो जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे को एक स्टैंड है, थ्रेड के ऊपर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड रख दिया है. ये हमने बार मैग्नेट यूज किया है. तो जैसे कि हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पता है, तो जो भी पोर्शन नॉर्थ डायरेक्शन में एंड साउथ डायरेक्शन में रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसके नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन. ओके, सो अभी हम ये देखेंगे द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सिकिंग और नॉर्थ ऑफ मैग्नेट. कि जो नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करता है उसको हम नॉर्थ पोल बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है नॉर्थ नॉर्थ, तो ये हमारा नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट है, या फिर इसको नॉर्थ सिकिंग एंड बोलेंगे. और जो अदर एंड है जो साउथ डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, विच इट इज कॉल्ड साउथ सिकिंग पोल और साउथ
पोल। तो यहाँ पे जो ये हमने पढ़े नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैग्नेट की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अभी हम सीखते हैं कि कैसे लाइक पोल्स मैग्नेट के रिपेल करेंगे एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि फिगर में देख सकते हो, मैग्नेट्स में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और वो नॉर्थ से निकल के कहाँ पे जाती है, टुवार्ड्स साउथ। इस तरह से वो साउथ डायरेक्शन में जाती है। तो उसके जो पोलर रीजन होता है नॉर्थ एंड साउथ, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक साथ ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती है वहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है, ज्यादा। तो इस तरह से वो नॉर्थ से निकल के साउथ के अंदर एंटर करती है। अगर आप कोई दूसरा मैग्नेट लेते हो तो यहां से नॉर्थ से निकलेगी और साउथ में आ जाएगी। सो इस तरह से नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। यहाँ पे दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं। लेकिन अगर लाइक पोल्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ है, दोनों में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं, जिसकी वजह से ये रिपल्शन करता है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, जो कि कौन सा होगा, रिपल्सिव फोर्स, जो कि रिपल्शन दिखाता है। ओके, तो आपको यहाँ पे एन एस है या फिर एस एन है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। और सपोज नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ साउथ है तो रिपेल करेगा। सो इफ यू ब्रिंग टू मैग्नेट क्लोज टू ईच अदर, दे बिहेव इन अ डेफिनेट मैनर। इफ नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ ऑफ मैग्नेट आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, देन द टू मैग्नेट्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, पोल्स रिपेल ईच अदर। ऑन द अदर हैंड, इफ नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, देन द टू मैग्नेट्स विल मूव टूवर्ड्स और टू इच अदर, जिसको हम बोलते हैं एट्रैक्टिव फोर्स। सो यहाँ पे ये मूव अवे नहीं आएगा, टूवर्ड्स टूवर्ड्स टू इच अदर। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, राइट? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ, क्यों वो नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में दिखाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स।